click the bell icon to get latest videos from Ikeda. Yes, friends. Today we are starting with one topic, that is cooperative, special features of cooperative audit. Yes, friends. हम बात कर रहे हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉपरेटिव ऑडिट. गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से फोकस करना, एकदम ध्यान से एकदम ठीक है. हम बात कर रहे हैं गाइस कॉपरेटिव सोसाइटी की फीचर्स की, वेरी क्लियर है. चलिए तो इसका फीचर्स क्या है गाइस. हाँ एक चीज मैं बता दूं, हमने गाइस जो 12th स्टैंडर्ड में जो पढ़ा था ना कॉपरेटिव सोसाइटी का फीचर्स, वो मत लिखना, वो एकदम डिफरेंट है. ये डिफरेंट है, स्पेशल फीचर्स है वो, खाली फीचर्स था कॉपरेटिव सोसाइटी का, ये स्पेशल फीचर्स है. वेरी क्लियर है. यस चलिए चालू कर दे गाइस. सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, एग्जामिनेशन ऑफ ओवरड्यू डेप्थ. हम ऑडिटर्स है, हम कॉपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट करने जा रहे हैं, हमने देखा कॉपरेटिव सोसाइटी का ओवरड्यू डेप्थ है. ओवरड्यू डेप्थ मतलब बकाया पैसा, ठीक है. तो हम सबसे पहला चेक करेंगे क्या सोसाइटी ने ओवरड्यू डेप्थ का प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया है क्या. और क्लासिफिकेशन कैसे देना होता है, कॉपरेटिव एक्ट के हिसाब से देना है. कैसे देना होता है मैं आपको बता रहा हूँ. इसमें बताया गया है मतलब जो जो भी डेप्थ 6 महीने से ज्यादा होते और 5 ईयर तक होते, मतलब 6 मंथ से लेकर 5 ईयर के डेप्थ को एक पार्ट में डिवाइड करना होता है, और जो डेप्थ 5 ईयर्स के ऊपर है उसको अदर पार्ट में डिवाइड करना होता है. तो क्या सोसाइटी ने क्लासिफिकेशन दिया है क्या 6 मंथ टू 5 ईयर का डेप्थ एंड मोर देन 5 ईयर का डेप्थ क्लासिफिकेशन दिया है क्या. सबसे पहला पॉइंट ये चेक करो. सेकेंड हम पॉइंट चेक करेंगे, सही बात है ना गाइस, डेप्थ का क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी. सेकेंड पॉइंट हम चेक करेंगे ओवरड्यू इंटरेस्ट. ओवरड्यू इंटरेस्ट की गाइस बात कर रहे हैं सर. एक बात बताओ, जब ओवरड्यू डेप्थ डेप्थ अगर आपका पैसा बाकी है तो बट ऑब्वियस इंटरेस्ट भी तो बाकी होगा ना, तो वो इंटरेस्ट को आप प्रॉफिट में काउंट करोगे क्या. नहीं, इंक्लूड करोगे गाइस, उसको हम लोग क्या करेंगे एक्सक्लूड. तो सेकंड पॉइंट यही है गाइस, आप स्क्रीन पे देख सकते हो क्या ओवरड्यू इंटरेस्ट, क्या ओवरड्यू इंटरेस्ट को एक्सक्लूड किया गया क्या नेट प्रॉफिट से. ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब डेप्थ आउटस्टैंडिंग है, डेप्थ अगर ओवरड्यू है तो भैया इंटरेस्ट भी तो ओवरड्यू ही होगा ना. तो ये चेक कर लो क्या वो डेप्थ के जो इंटरेस्ट को प्रॉफिट में तो नहीं ले लिया है लोगों ने, उसको चेक करना इज वेरी नेसेसरी. थर्ड पॉइंट चेक करेंगे क्या सर्टिफिकेशन ऑफ बैड डेट. सर सुनो ना, कॉपरेटिव सोसाइटी में एक अलग स्पेशल फीचर्स है. अगर कॉपरेटिव सोसाइटी में ना अगर सोसाइटी को है ना बैड डेट रिकॉर्ड करना है, ठीक है, तो उसके लिए ना आपको ना चार्टर्ड अकाउंटेंट का आपको सर्टिफिकेशन लगता है. तो हम लोग ये चेक करेंगे क्या आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेशन लिया है क्या, राइट सर्टिफिकेशन. क्योंकि बैड डेट हम तभी रिकॉर्ड करेंगे, मतलब सोसाइटी तभी रिकॉर्ड करेगा जब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको एक सर्टिफिकेट देगा. तो हम लोग ये भी चेक करेंगे सर्टिफिकेशन लिया है क्या, सर्टिफाई जितना सर्टिफाई करेंगे उतना ही बैड डेट रिकॉर्ड होगा. क्लियर हो गया. तो सबसे पहला हम बात कर रहे फीचर्स, स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी ऑडिट. सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला ओवरड्यू डेप्थ. सेकंड पॉइंट हम बात कर रहे ओवरड्यू इंटरेस्ट. वेरी क्लियर है गाइस. यस नाउ थर्ड पॉइंट हमने बात किया सर्टिफिकेशन फॉर द बैड डेट. आगे बढ़ते गाइस, आप नेक्स्ट स्लाइड पे आ चुके हो. नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग है, नेक्स्ट स्लाइड की हम बात कर लेते. उसके बाद हम बात पॉइंट चेक करेंगे वैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी. सर हम लोग ऑडिटर्स है, हम कॉपरेटिव सोसाइटी के असेट्स एंड लायबिलिटी को भी चेक करेंगे. सर असेट्स एंड लायबिलिटी को कैसे चेक करना है, कैसे चेक करना है, एक चैप्टर हम लोग करेंगे दैट इज वेरिफिकेशन. वहां पे आपको समझेगा जो असेट्स एंड लायबिलिटी को कैसे चेक करना है. मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ बच्चों. जब हम PNL को चेक करते हैं उसको बोलते हैं वाउचिंग, जब हम बैलेंस शीट को चेक करते हैं उसको बोलते हैं वेरिफिकेशन, ठीक है. तो बैलेंस शीट को चेक करने का तरीका क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए बैलेंस शीट के अंदर कंपनी ने क्या दिखाया, प्लांट एंड मशीनरी दिखाया. अब मैं एज अ ऑडिटर मैं प्लांट एंड मशीनरी कैसे चेक करूंगा,
ठीक है, कैसे चेक करेंगे हम लोग गाइस? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अगर कंपनी ने, कंपनी मतलब यहाँ पे कॉपरेटिव हो गया गाइस, ठीक है, कॉपरेटिव सोसाइटी ने अगर प्लांट एंड मशीनरी दिखाया है तो उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करेंगे, सही बात है ना। अगर बैलेंस शीट में है तो फिजिकल एग्जिस्टेंस भी होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे, ठीक है, वैल्यूएशन चेक कर लो, फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक कर लो, वैल्यूएशन चेक कर लो, ओनरशिप चेक कर लो गाइस, ओनरशिप, वो प्लांट एंड मशीनरी का क्या कॉपरेटिव सोसाइटी मालिक है, उसके ऊपर कोई चार्ज तो क्रिएट नहीं हो, चेक कर लो, ठीक है। अब देख लो वो असल पे प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कि नहीं किया है, तो ये सब चेक कर लो गाइस, यही सब चीज तो लिखना है। हम असल, हम वी आर द ऑडिटर्स, हम कैसे चेक करेंगे, हम कॉपरेटिव सोसाइटी का असल लायबिलिटी कैसे चेक करेंगे, ये सब चेक करेंगे, फिजिकलाइजेशन चेक करेंगे। अब जब मॉड्यूल अपना पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको एक कंटेंट मिल जाएंगे, ठीक है, हम असेट्स एंड लायबिलिटी चेक, हम फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, दैट इज फिजिकलाइजेशन, वैल्यूएशन, ओनरशिप, राइट, ये सब चीज चेक, प्रॉपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया है कि नहीं, कोई एक्स्ट्रा इंसिडेंशियल आपने खर्चा किया है तो उसको कैपिटलाइज किया है कि नहीं, वेरी क्लियर है, यस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, दैट इज एडहेरेंस टू कॉपरेटिव प्रिंसिपल गाइस। एडहेरेंस मीन्स फॉलो करना, मीन्स जो कॉपरेटिव सोसाइटी आपकी रजिस्टर हुई है क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है, वो जरूरी है ना सर, जो पर्पस के लिए हम लोग सोसाइटी को रजिस्टर किए हैं, जो पर्पस, क्या क्या सोसाइटी वो पर्पस को अचीव कर पा रही है, राइट ना, दैट इज ऑल्सो मेन ऑब्जेक्टिव सर, ये चेक करना बहुत जरूरी है, क्या हम सोसाइटी के बायलॉ को फॉलो कर रहे हैं, क्या सोसाइटी के लॉज को फॉलो कर रहे हैं हम लोग, उसके ऑब्जेक्ट के उसमें काम कर रहा है कि नहीं सर, हम चेक करेंगे, वी आर ऑडिटर्स, हम चेक करें क्या सोसाइटी ये चीजों को फॉलो कर रही है क्या, आप चेक करोगे, वी आर ऑडिटर्स, वेरी क्लियर है, यस। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, दैट इज ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स गाइस, हमें भी चेक करेंगे क्या सोसाइटी जो कॉपरेटिव सोसाइटी का जो एक्ट है, जो प्रोविजन है, जो रूल है, उसके दायरे में काम कर रहा है, उसको फॉलो कर रहा है, सही बात है ना सर, सोसाइटी के भी रूल्स होते हैं, कॉपरेटिव सोसाइटी के भी एक्ट है, राइट ना, महाराष्ट्र कॉपरेटिव सोसाइटी एक्ट है, स्टेट वाइज होते हैं एक्चुअली, ये जो सोसाइटी का जो एक्ट है स्टेट वाइज है, तो हम ये भी चेक करेंगे क्या वो एक्ट को फॉलो किया जा रहा है, रूल्स को फॉलो किया जा रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ द मेंबर रजिस्टर इन एग्जामिनेशन ऑफ देयर पासबुक। सर हम लोग ऑडिटर्स हैं, हम ऑडिट करने जा रहे तो हम देख रहे सर कॉपरेटिव सोसाइटी का रजिस्टर भी चेक करेंगे, मेंबर रजिस्टर, क्या कॉपरेटिव सोसाइटी ने अपने मेंबर्स को लोन दिया है क्या, यस दिया है तो आप चेक कर लो क्या वो लोन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, पासबुक चेक करो प्रॉपरली रिकॉर्ड किया है, अगर लोन का डिसबर्समेंट हो गया, रीपेमेंट हो गया, उसको रिकॉर्ड किया। जनरली होता क्या है गाइस, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स होते दे आर इलिटरेट, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो आप चेक कर लो क्या सोसाइटी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, सोसाइटी चीज़ों को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर रहा है, प्रॉपरली डिस्क्लोज कर रहा है, ये सब चीज़ें चेक करना बहुत जरूरी है, राइट ना, मतलब लोन, जो लोन दिया, जो रीपेमेंट हो गया, दैट इज वो सबको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना चाहिए, तो क्या हमें भी चेक करेंगे क्या सोसाइटी प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है, दैट इज लोन फॉर द मेंबर्स, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा है कि नहीं, अब ये पॉइंट चेक कर लो, यस yes. तो गाइस हम वही बात कर रहे, दैट इज हम चेक कर लेंगे, दैट इज रजिस्टर्स। आगे बढ़ते गाइस, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते, स्पेशल रिपोर्ट, देख आप स्क्रीन पे देख सकते हो सर, इसके स्पेशल रिपोर्ट टू रजिस्ट्रार। सर ऑडिट करते समय हमको कुछ चीजें मिल गई जो हमें बताना है, ये जरूरी है, ठीक है, ये चीजों के लिए हम किसको रिपोर्ट करेंगे गाइस, ये चीजों के लिए हम रिपोर्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर देंगे, क्या रिपोर्ट करेंगे, एक तो रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर देंगे, जैसे कि कोई सोसाइटी पर्सनल प्रॉफिट अर्न कर रहा है, मिसमैनेजमेंट है, राइट ना, मिसमैनेजमेंट है, नेग्लिजेंस एकदम लोन रिकवरी करने के लिए, फ्रॉड कर रहा है, तो ये सब चीजों को आप रिपोर्ट कर दो, डैट इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल रिपोर्ट, इसको हम और काफी डिटेल में बाद में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते, डैट इज ऑडिट क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी, हम क्लासिफाई करेंगे उसको,
हम लोग ये भी चेक, हम लोग जैसे हम लोग ऑडिट रिपोर्ट बनाते ना अलग अलग रिपोर्ट, ऐसे हम लोग ना कॉपरेटिव सोसाइटी में क्लासिफिकेशन देते हो सोसाइटी को. आगे एक लास्ट पॉइंट हमने दिया था, जो भी हम लोग रिपोर्ट देंगे वो किससे डिस्कस किया जाएगा, सोसाइटी से. दैट इज डिस्कस द ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट विद द ऑडिट, दैट इज सोसाइटी का कमिटी के साथ वो चीजों को डिस्कस किया जाएगा. तो गाइज मैंने आपको क्या करवाया, मैंने आपको एक पिक्यूलियर मतलब दैट इज अ स्पेशल फीचर्स ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी कराया. एक फटाक से रिकाप कर दूं, मैंने समरी फॉर्म में बता दूं क्या क्या करवाया. देखिए सबसे पहला हमने बात किया कॉपरेटिव सोसाइटी का, हम लोग सबसे पहले ओवरड्यू डेब्ट चेक करेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन 5 मंथ टू 6 मंथ टू 5 ईयर राइट, और मोर देन 5 ईयर. सेकेंड हमने बात किया ओवरड्यू इंटरेस्ट, उसको काउंटिंग नहीं करेंगे. तीसरा हमने बात किया सर्टिफिकेशन. चौथा हमने बात किया असेट्स एंड लायबिलिटी, प्रॉपर रिकॉर्ड किस किया है कि नहीं. उसके बाद हमने बात किया एडहेरेंस टू कॉपरेटिव प्रिंसिपल, उसके बाद किया दैट इज कॉपरेटिव सोसाइटी का एक्ट एंड रूल्स को फॉलो करना, उसके बाद किया मेंबर्स का रजिस्टर, उसके बाद रिपोर्ट करेंगे सोसाइटी का फ्रॉड हो सबके बारे में, उसके बाद क्लासीफाई करेंगे सोसाइटी को, लास्ट का मैंने बोला गाइज दैट इज डिस्कस द दैट इज विद द ऑडिट कमेटी. ठीक है, ऑडिट कमेटी मीन्स दैट इज कमेटी ऑफ सोसाइटी के साथ डिस्कस करेंगे ये सब चीज़ों को. इसको याद कैसे रखना है गाइस, इसको याद कैसे रखना है, एक कीवर्ड बोल देता हूँ आपको मैं, कॉपरेटिव. आप अगर शांति से मॉड्यूल लेके बैठोगे या पॉइंटर देखोगे ना तो कॉपरेटिव वर्ड बनता है, इसका कीवर्ड याद रख लेना कॉपरेटिव. या मैं आपको दूसरा टेक्निक बता देता हूँ हाउ टू इसको रिमेम्बर कैसे करना है, इसको इसको याद कैसे रखना है. मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, जरा समझो. मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ, सबसे पहला देखो ओवरड्यू डेप्थ था तो ओवरड्यू इंटरेस्ट होगा, ओवरड्यू डेप्थ है तो इंटरेस्ट भी ओवरड्यू रहेगा. उसके वजह से बैड डेट हो गया, बैड डेट हुआ तो असेट लायबिलिटी खराब हो गया, असेट राइट ना, असेट लायबिलिटी कम हो गए ज़्यादा हो गए. क्यों? क्योंकि अपने प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, एक्ट को फॉलो नहीं किया, मेंबर का रजिस्टर चेक करने का, उसके लिए मालूम पड़ा फ्रॉड है, रिपोर्ट करो, क्लासीफाई करो, डिस्कस करो. क्लास वेरी क्लियर है, मैंने आपको एक फटाक से वेरी क्विक मैनर में आपको मैंने फीचर्स करा दिया इसका. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल. थैंक यू सो मच.